हाय त्राई करने लग गए। तब फिर वहां पर उन्होंने देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज अवतार ले ओ। कहा कि देखो तुम्हारे कहने से तो आऊंगा नहीं, क्यों कि भाई उसके पास भी शक्ति है, उसने भी तपस्या तो की है। हाँ एक बात है, जब वो संतों के साथ, वेदों के साथ, पुराणों के साथ, ग्रंथों के साथ, गौ के साथ, ब्राह्मणों के साथ और महापुरुषों के साथ, धर्म के साथ और मेरे साथ द्वेष करेगा और उसी का एक पुत्र होगा, उस पुत्र के अंदर जो भक्ति है उसके साथ द्वेष करेगा, इसका निश्चित विनाश हो जाएगा। इसीलिए हम ये श्लोक आज राजनेताओं को बताना चाहते हैं, क्या धर्मे मयि च विद्वेषः। यदि आप धर्म के साथ द्वेष करोगे, भगवान के साथ द्वेष करोगे, सनातन धर्म को मक्खी मच्छर कीड़ा मकोड़ा कोरोना जितनी जितनी गालियां आप दे सकते थे उतनी गालियां आपने दी हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? यदि हमारा शास्त्र सच्चा है तो उनका निश्चित रूप से और अवश्य विनाश होगा। हम नहीं चाहते हैं कि उनका विनाश हो, हम चाहते हैं उनकी इस भावना का विनाश हो। इस भावना का विनाश हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। एक सनातन धर्म मिला आपको मक्खी मच्छर बताने वाला, जो अहिंसा परमो धर्मे की शिक्षा देने वाला है, किसी को मारने तक की बात नहीं कहता। हमारे यहाँ कौन सा ऐसा त्योहार आता है जिसमें किसी को मारा जाता है? लोग कहते हैं कि ये इतना दूध बहाते हैं भगवान शंकर के उसमें क्या नाम शिवरात्रि के दिन, इतना दूध क्या फायदा रही क्या है? अरे कई कई जगह ऐसा त्यौहार होता है कितने खून बहा जाता है, नालियों में जाकर देखो खून बहता है उस समय त्योहारों के अवसर पर। उस समय तुम नहीं बोलते, भगवान शंकर के दूध चढ़ाते हैं, शास्त्र का नियम है। लेकिन आप लोग कितने पशुओं को मारते हैं, भेड़ बकरियों को मारते हैं और कितना खून बहता है और कितना वो जीव हिंसा होती है, उसके लिए कोई नहीं बोलता। अरे दूध देवे है कहीं मतलब है तो ये भाटा पर दूध नाग रहे, थारे वास्ते भाटो है क्योंकि थारी बुद्धि में भाटो ही पड़े है, हमारे तो वास्ते भगवान शंकर है। ऐसे आस्थाओं के साथ में नेता लोग बोलते हैं, कई प्रश्न भी कर लेते हैं लोग। अरे कम से कम हिंदुओं को तो अपने विषय में नहीं बोलना चाहिए ना सज्जनों। हिंदुओं को खतरा किसी से ही नहीं है, केवल हिंदुओं को हिंदुओं से ही खतरा है। इसलिए अपने लोग जो इस खतरे को समझने वाले हैं वो इस बात को सोच करके चलें, समझ करके चलें, एक हो करके चलें। एक सेकंड के लिए तो एक हो जाओ, जिस समय वो बोट का क्लिक मारो ना वो एक सेकंड लगता है, उस एक सेकंड के लिए एक हो जाओ। 5 वर्ष तक आनंद करोगे, 5 वर्ष तक नहीं, फिर ऐसे ऐसे अच्छे शासक हो सकते हैं जो सदा के लिए हमारे आनंद कर सकते हैं। इसलिए भाई अपने को सोच समझ के वोट देना चाहिए। तो कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, फिर वो प्रह्लाद पैदा हुआ, प्रह्लाद के अंदर कितने कितने जन्मजात उसके अंदर भक्ति थी। ये भक्ति क्यों आई? 108 बार उसने नाम लिया कि भाई नारायण नारायण, उसके प्रभाव से वो जन्मजात भगवान का भक्त बना और भगवान श्री कृष्ण में उसकी बड़ी प्रीति रही। बचपन से अपने बच्चों को, अपने साथियों को भी यही बात कहता, सब आश्चर्य करते कि इसको इतनी भक्ति कैसे मिली। उसके साथियों ने पूछा कि तुम्हारे अंदर ऐसी भक्ति कहाँ से आई रे भाई, कि नारद जी से। नारद जी तो यहाँ भूल करके ही नहीं आए तुम्हारे घर पर, कोई साधु संत ऋषि मुनि तुम्हारे घर पर आता ही नहीं। तो कहा कि आता तो नहीं है लेकिन आए थे। कहाँ? कि देखो हमारे पर भगवान की कृपा है,
पहले हमारे पिताजी ने खूब यहां उपद्रव किया, फिर ये तपस्या करने चले गए। तपस्या करने के बाद फिर पीछे से इंद्र आया, हमारी माँ को पकड़ करके ले जा रहा था। तब उसके बाद यहाँ नारद जी पहुँच गए। नारद जी ने कहा, अरे इंद्र ये अबला है महाराज, ये तो अबला है लेकिन इसके पेट में होने वाला बालक है वो भी हिरण्यकश्यप जैसा ही हो जाएगा। तो कहा कि मेरी गारंटी है किसी प्रकार से ये हिरण्यकश्यप जैसा नहीं होगा। फिर गर्भस्थ मुझे नारद जी ने उपदेश दिया। नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें।